नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमुआ में भाकपा माले के पूर्व महासचिव कामरेड विनोद मिश्रा की 23वें स्मृति दिवस को शनिवार को संकल्प दिवस के रूप में जमुआ डाक बंगला में मनाया गया। पार्टी के आह्वान पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं की गोलबंदी हुई तथा इस अवसर पर माले के विजय पांडे, मनावर हसन बंटी, माले नेत्री मीना दास, जिला सचिव पूरण महतो, रीतलाल वर्मा, रंजीत यादव, मोहम्मद राजा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कामरेड विनोद मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मौके पर भाकपा माले के विजय पांडे ने कहा कि भाकपा माले की असंगठित मजबूती और मौजूदा विस्तार में कामरेड विनोद मिश्रा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वे हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज पूर्व महासचिव कामरेड विनोद मिश्र जी की वर्षी है और विनोद मिश्र जी ने 90 के ही दशक में जब केसरिया आहट पूरे देश में थी तभी उन्होंने इसकी चेतावनी दी थी पूरे भारत की जनता को कि ये भाजपा केसरिया कहर जब बढ़ेगा तो इसकी एक साजिश होगी कि जन मुद्दों से जनता को भटका करके आपस में सांप्रदायिकता का जहर फैला करके धर्म जाति को लेकर के नफरत फैलाना ताकि देश की जनता जो है अपने सवालों को भूल जाए और ये आसानी से जन विरोधी कानून को लागू कर सकें। तब किसान आंदोलन ने जो है पूरे मोदी जी जैसे फासिस्ट ताकत को देश में धूल चटाने का काम किया है और आने वाले दिनों में हम मजदूरों की लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। जो मजदूर विरोधी कानून इन्होंने लागू किया है देश के किसान आंदोलन के तरफ मजदूर आंदोलन भी छिड़ेगा और अभी 8 जनवरी को पार्टी के तरफ से जो CAA NRC को लेकर के 8 जनवरी को बंद है